अगर दोस्तों आपका घर ऐसी जगह पे हो तो आप क्या करोगे? एकमात्र सारा नाव का सिर्फ चारों तरफ पानी, बीच में नाव और घर। एक लेडीज है वहाँ पे, एक पूरा परिवार है। गाय भी दिख रही है मुझे, हाय आप तो आपको दिख रही है कि नहीं? एक लेडीज भी है। ये है चारों तरफ यही हाल है। हिम्मत चाहिए दोस्तों रहने के लिए यहाँ पे। कभी पानी में से सांप निकल के चला जाता है घर में, कभी कुछ हो जाता है, कोई पानी का जानवर ही निकल के चला जाए, तो ऐसे में सोच सकते हो आप कैसे ये लोग यहाँ अपने अपने आप को रखते होंगे, रहते होंगे, जीवन यापन करते होंगे, चलते होंगे, लगा सकते हो अंदाजा आप। बहुत कठिन में ज़िंदगी है इन सबकी। ये नहीं, आगे भी है, पूरा क्षेत्र यही है। ये तो आगे दिखाई नहीं दे रहा है, धुंध है। आपको इस साइड का मैं दिखाता हूँ। ये पूरा गांव है, भगवान नाव है यहाँ गांव का। जाने का कोई साधन नहीं है, होता तो मैं जाता जरूर, काफी घूम के जाना पड़ेगा, तो फिलहाल यहाँ से काम चला लीजिए। छोटा मोटा गांव नहीं है, कम से कम यहाँ 2 से 3 हज़ार आदमी रहते हैं। दिख रहा है वो आदमी है, नदी पार करके जा रहे हैं अपने खेतों में। ये झोपड़ी जो है, ये झोपड़ी यहाँ से वहाँ तक है, एंड तक वहाँ तक, और दोनों साइड है ये। आपको क्या लग रहा है ये रोड पे किस लिए बसे हुए हैं? ये छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हैं, खेल रहे हैं, आपको लगता है क्यों ये रोड पे हैं? अभी ये इसलिए हैं, मैं बताता हूँ आपको, कि चारों तरफ जब पानी भर जाता है, जो बेचारे स्टेबल कर सकते हैं वहाँ रुक जाते हैं, जो नहीं कर सकते वो बांध पे चले आते हैं, जिनके घर में पानी चला जाता है वो अपना आके यहाँ जीवन यापन करते हैं। जैसे अपने घर पे रोज रहते हैं, यहाँ पे अपना टाइम वैसे बिताते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ये रोड चलता रोड है, तो यहाँ जैसे बच्चे खेलते हैं, तो पीछे यहाँ गरोल चौक है, तो वहाँ पे अभी हाल फिलहाल में 3 दुर्घटनाएं हुई हैं, हाल फिलहाल में, 1 वीक के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर, और तीनों ऑन द स्पॉट डेथ। तो समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र में पानी की वजह से कितनी समस्या है। इस समस्या के कारण लोग या तो पानी से मर रहे हैं, या रोड पे मर रहे हैं, या प्राकृतिक मौत मर रहे हैं। प्राकृतिक तो कोई बात नहीं, कोरोना के बीच में ये चल रहा है। भगवान कहता है ना कि इधर कुआं इधर खाई, कहाँ जाएगा मेरे भाई। ये लोड हो गया, ट्रैक्टर जा रहा है, और यहाँ रो बच्चे भी खेलते रहते हैं, वो देख रहे हो आप, भाग रहा है बच्चा। बहुत परेशानी है दोस्त, हम लोग क्या जानेंगे इनकी परेशानी।